टोटल सर 62.420 600 से ज्यादा नाप सकता है का एक से एक्सेलरेशन 10 मिलीग्राम 5 प्लस ये बाद में 5 एमजी क्लास सेक्शन बैलेंस क्या बात है कि हवा कुछ हवा नहीं जाना चाहिए हवा के प्रेशर से भी इसका ये हमारा चारकोल है हाँ उसी का मटेरियल है जो रोड पे बिछाया गया था ये एल्युमिनियम का कटोरा है कटोरा में बिटुमिनस को रखा जाएगा और इसमें दही पूरा आएगा इसमें 400 ग्राम आशुतोष 300-400 ग्राम का जरूरी 300-400 ग्राम हम ले लेंगे इतना तो हो जाएगा जी इसमें सब माल मिला हुआ है छोटा बड़ा जो बिछाया जी सब है जी सब है प्लास्टिक भी आ गया सर भी आ गया पुलवा गिरवा देगा रोड पर जावा देगा ना 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 अपने ढकने पे निकलना है मतलब पक्का 401 चलिए 401.71 लिखिए गोपाल जी 401.71 ये हमारा बेटा अभी तीनों में कौन सा केमिकल है एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल डाला जाता है तीन चार तरह का केमिकल आता है सबका नाम नहीं पता है इसमें केमिकल डाला जा रहा है जिससे इसमें सारा चारकोल अलग हो जाए कौन सा केमिकल है केमिकल इतना रखें कि इसमें टोटल बिटुमिनस गीला हो जाए कौन सा है मिलाकर वही इस कागज ये जो कागज है इसको फिल्टर पेपर है देखिए फिल्टर पेपर का वेट है 5.27 कवर लगा कहाँ गया कवर 5.70 इस वेट ऑफ फिल्टर का वेट इतना है तो एक ही पेपर का इस्तेमाल होगा
डबल कर दिए हैं इसलिए कि थोड़ा पतला है फिल्टर पे। हाँ जी, कितना फिल्टर पेपर लेना है जी? दो, इसमें दो फिल्टर, दो पेपर में, लेकिन पतला है इसलिए एक डबल लिया गया है। हो सकता है वो डस्ट भी निकाल दे, डबल कर दिए हैं कि डस्ट नहीं बाहर। इसको देते क्यों सर? ये प्यूरीफाई करेगा, मतलब सारे तो कोई भी एक रख सकते हैं। ये तीनों देना होगा? दोनों होगा ना। अच्छा सर, अच्छे से पैक कर देंगे इसको, फिर इस मशीन को ऑन करेंगे। 10-20 मिनट खुलने दीजिए, खुलेगा 10-20 मिनट चलेगा। अलकतरा मिक्सर होकर पूरा टाइप का निकल रहा है, ये मिक्सर निकल रहा है अलकतरा, फॉर्म हो गया है। मिक्सर है बेंजीन का प्लस अलकतरा। इसको करने के लिए हम पहले इसमें मटेरियल डालते हैं, उसके बाद इसमें बेंजीन डालते हैं, इसको मिक्स करके इसमें डालते हैं, 15 मिनट तक छोड़ देते हैं, फिर रिटोमान एक्सट्रैक्टर मशीन को चालू करते हैं, ओपन चालू करते हैं, उसके बाद अच्छे से कैटलाइज होकर मटेरियल मटेरियल यहाँ पे निकल रहा है। सर इसमें तो बचेगा सिर्फ 0 साइज वाला एग्रीगेट बचेगा, सिर्फ डस्ट बचेगा, डस्ट बचेगा, वो भी छोटा छोटा होगा, गिट्टी जो था वो कितना देर तक चलता है? जीरो साइज वाला एग्रीगेट बचा ना जी, थोड़ा गर्म होगा, गर्म होगा नहीं, गर्म नहीं होगा ये। अब देखिए इसमें सारा सिर्फ एग्रीगेट बचे हैं, सारा फिल्टर होके निकल गया और डस्ट पार्टिकल ये है साइड में कॉर्नर सारे डस्ट। बेंजिन सबको अलग कर दिया, ऐसे नहीं अलग होता। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाथ में अलकतरा लग जाए ना हो तो बेंजिन लगा, बेंजिन लगाइए एकदम सारा अलकतरा हट जाएगा सर। बेंजिन वाला केमिकल से हाथ में जो अलकतरा सब लग जाता है, अगर कपड़ा पर भी लग जाए गलती से अगर चिपक जाए तो लगा लेते हैं, कपड़ा सब पर भी वाला साफ कर देगा। टेस्ट करते हैं, लगाते हैं, टेस्ट करते हैं अलकतरा का, नहीं उस पे लगाते हैं, मतलब सब फील डाल रहे हैं। अब इसमें ट्राई क्लोराइड राउंड सेकंड राउंड ट्राई क्लोराइड में खराब के डाल दिए हैं आप लोगों को, फ्रेश ही है, फ्रेश माल ही है, ट्राई क्लोरोइथिलीन केमिकल है। हां, अब इसको ये सेकंड बार में ये डालेंगे, इससे सारा मतलब कोई एक ही रखना है ना, चारकोल निकल जाए। अपना जांच के लिए तो यही डालते हैं, लेकिन नहीं तो वो खराब है तो वो ट्रायल करके लिए वो करते हैं, उसके बाद हाँ दो एक लीटर भी लगा तो 400 रुपया तो सरकार का। हाँ वो तो है, 400। अरे फ्रेश से बताना दे, ये सर बढ़िया से निकाल दे रहा है ना पूरा, केमिकल खत्म है वो। हाँ सर, आज तो पहले कर दीजिए बढ़िया। अलकतरा है, अलकतरा है, अभी अलकतरा है, बेंजीन वाला से अच्छा है। ट्राई करो, अलकतरा नहीं रहेगा तो कुछ मान जाएगा इसमें, बेंजीन का पावर कम है जी सर, ट्राई क्लोराइथेन वाला बहुत। हाँ, सबसे तो अच्छा सफेद केमिकल रखे ना, सफेद निकलेगा तो समझ जाएंगे लेवल में कार्बन सारा इसे निकल गया, निकल गया सबसे अच्छा है, मतलब उस पर बैल लग गया, बैल लग गया। हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अब यूज नहीं कर सकते।
क्लोरो इथिलीन चल रहा है, बीच का रास्ता है, और बेंजीन भी चलता है लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर बहुत हो जाता है पास होने लायक ट्राई करो। हाँ, कई तरह का सीखे अलकतरा का टेस्ट अलकतरा का काम कई तरह से होता है। ऐसे करिए रोड पर जो पीछे देखते हैं उसको क्या क्या कहते हैं, बिटुमेन तो रहता है, उसका नाम क्या है, पेवमेंट देखिए जनरली चार तरह से होता है, एक एसडीबीसी हुआ जी, उसके बाद आपको हो गया बीएम, उसके बाद हो गया एक डीबीएम और बीसी, चारों चार तरह नेचर का है। बीसी में 5.6% अलकतरा रहता है, ट्रीटमेंट का परसेंटेज 5.6, और आपको एसडीबीसी में 5% एकदम कंप्लीट, बीबीएम में 4.5, 4.5 से लेकर 4.5, और बीएम होता है उसमें 3 से लेकर 3.5 तक, 3.3 उसको मान के चला जाता है। चार तरह से हो गए सड़क, चार तरह से बनते हैं ऐसा एस्टिमेट प्रोवाइड होगा। अब जनरली खाली डीबीएम और बीसी हो रहा है, रिच मटेरियल से हो रहा है, 4.5% कुछ ही देता है, ऊपर से 5.6%। कथी का टेस्ट बता रहा है लोग, बिटुमेन का एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं जिससे अलकतरा बाहर निकाल रहे। पर फार्मा पर बता दीजिए, डिटेल बता दीजिए, उसका वजन किया है हो कपिल जी? हाँ जी, ठीक है, वजन करके बनाइए, पर फार्मा पर बताइए। चार प्रकार से बस रोड बनता है इतना समझ लीजिए, लगभग कुछ थोड़ा सा साफ हुआ है और केमिकल दिए कितना तक सब सर साफ करेंगे हाइट ना हो जाए, मतलब जैसे तीन बार में आ जाता है लगभग केमिकल, मतलब चेक करके देखेंगे कितना गाढ़ा है, मतलब इसे उजला टाइप का होना चाहिए, उजला टाइप का नहीं, अच्छा मोबाइल नहीं चेक करता है गाड़ी में से निकलता है, हां मोबाइल एकदम लाल होता है तो लाल जब निकलता है तो पूरा एकदम काला काला हो जाता है, उसमें लाल आ जाता है, जो अलकतरा जो था वो पूरा घुल जाएगा, बचा हुआ था जैसा, हां इसमें सारा अलकतरा निकाल देते अब ये फिल्टर खत्म हो गया, देखिए इसमें जो एग्रीगेट से एकदम पूरा साफ हो गया, और ये उसका लिक्विड है चारकोल और बेंजीन है।